मध्य प्रदेश में शनिवार को 6,48,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी। वहीं भोपाल में 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। यहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों डोज लगेगी। कोवैक्सीन का दूसरा और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज लगेगा। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगाने वाले नागरिकों को 84 दिन के गैप के में ही दूसरा डोज लगाना होगा। वहीं आपको बता दें कि कोविशील्ड का दूसरा डोज 28 दिन के गैप में लगेगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र दुबे ने बताया कि पहले ये तय वैक्सीनेशन केंद्रों पर ऑनलाइन बुकिंग से बुक स्लॉट से ही टीके लगेंगे। इन केंद्रों पर 3 बजे के बाद उपलब्ध टीके की ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कर लिए जाएंगे। वहीं नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमें कॉलोनियों में ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीन लगाएंगी। वहीं शहरी और ग्रामीण दोनों जगह 60,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 53,600 कोविशील्ड और 6,000 वैक्सीन लगेगी।